नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे देश विश्व के अन्य देशों के मुकाबले इस वक्त बेहतर स्थिति में है, लेकिन देश में इन दिनों बिजली संकट देखने को मिल रहा है और इसकी वजह बिजली संयंत्र कोयले के स्टॉक में कमी का आना बताया जा रहा है। तपती गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों की मुश्किलें हल करने के लिए प्रशासन अपनी पूरी कोशिशों में जुटी हुई है। ऐसे मुश्किल समय में बिजली के संकट पे पार पाने में ग्रीन एनर्जी काफी मददगार साबित हो सकती है, इसलिए अब ग्रीन एनर्जी की तरफ से जोर दिया गया है। आज आप अपने घर की छत पर आसानी से सोलर पैनल लगवाकर अपनी जरूरत भर की बिजली पैदा कर सकते हैं। सरकार भी इस काम में अपना मदद करने के लिए तैयार है और आपकी लागत को घटाने के लिए सोलर पैनल पर सब्सिडी भी देती है। चलिए आइए जानते हैं कि सोलर पैनल लगवाने का खर्च कितना आएगा और सरकार की ओर से कितनी सब्सिडी मिलेगी। आपको बता दें कि अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझे कि आपको कितनी बिजली की जरूरत है। आपके घर में बिजली से चलने वाले कितने उपकरण हैं? मान लीजिए कि आपके घर में 2-3 पंखे, एक फ्रिज, 6-8 LED लाइटें, एक पानी की मोटर और TV जैसी बिजली से चलने वाली है, तो इसके लिए आपको एक दिन में 6-8 यूनिट बिजली की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आप मोनोपर्क बाइफिशियल सोलर पैनल का ही यूज कर सकते हैं। इस वक्त नए टेक्नोलॉजी के साथ ये सोलर पैनल आया है। इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ से पावर जनरेट होता है। अगर आप ऐसे ही 4 सोलर पैनल को मिलाकर लगाते हैं तो आपको रोजाना 6-8 यूनिट तक बिजली आसानी से मिल जाएगी। ये 4 सोलर पैनल करीब 2 किलोवाट के होंगे। बताते चले कि भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने सोलर रूफ टॉप योजना की शुरुआत की है। आप डिस्कॉम के पैनल में शामिल किसी भी विक्रेता द्वारा अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं और सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें विक्रेता द्वारा रूफ टॉप सोलर का 5 साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। अगर आप 3 किलोवाट तक का सोलर रूफ टॉप पैनल लगवाते हैं तो आपको सरकार 40% तक सब्सिडी देगी। वहीं अगर आप 10 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 20% सब्सिडी मिलेगी। इस योजना को राज्य में स्थानीय विद्युत वितरण कंपनी संचालित कर रही है। अगर आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो इसका खर्च लगभग 1.20 लाख रुपए तक आएगा, लेकिन आपको इस पर 40% की सब्सिडी सरकार से मिल जाएगी, तो आपकी लागत घटकर 72,000 रुपए रह जाएगी और सरकार की ओर से आपको 48,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। सोलर पैनल की लाइफ 25 साल तक की होती है। ऐसे में एक बार में इतना निवेश करके लंबी अवधि के लिए महंगी बिजली से निजात पा सकते हैं और आपको एक तरह से मुफ्त में बिजली भी मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि इसका लाभ लेने के लिए आप कैसे आवेदन करेंगे। आपको बता दें कि सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट solarrooftop.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक और नया पेज खुलेगा। यहाँ आपने राज्य के अनुसार लिंक का चयन कर ले। इसके बाद फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आप अपनी सारी जानकारियां भर दें। सब्सिडी की राशि सोलर पैनल लगाने के 30 दिनों के भीतर डिस्कॉम द्वारा आपके दिए गए खाते में डाल दी जाएगी। तो जल्दी से आप आवेदन करके इसका लाभ उठाएं। अगर आप भी सोलर की मदद लेते हैं तो इससे सिर्फ आप जेब में पैसे नहीं बचा पाएंगे बल्कि 24 घंटे तक चिलचिलाती धूप में आपको बिजली मिलेगी, साथ ही डिस्काउंट का सुनहरा मौका भी मिलेगा और इन सब के साथ भारत में फैले बिजली संकट को कम करने में आपका योगदान भी शामिल होगा। फिलहाल हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।